होगा टोगा प्ले में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप PUBG लाइट 1GB रैम या 2GB रैम या 3GB रैम मोबाइल फोन के अंदर खेलते समय लैग होता है, रुक-रुक के चलता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आज ये 2 मिनट का वीडियो आप पूरा देख लेना। यदि आप ये 2 मिनट का आप वीडियो पूरा देख लेते ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते हो कि आप जब भी 1GB रैम या 2GB रैम या 3GB रैम फोन के अंदर PUBG लाइट गेम खेलेंगे ना, तो इतना ज्यादा मक्खन की तरह इतना ज्यादा स्मूथ खेल पाएंगे, वो भी जीरो लैग मोड सेटिंग में खेल पाएंगे। क्योंकि आज जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला कुछ ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों, यदि आप ये सेटिंग आप अपने फोन के अंदर कर लेते हैं तो आपको खुद पे यकीन नहीं होगा और मेरे कमेंट के अंदर बोलेंगे कि काश ये सेटिंग के बारे में आपको पहले बताना चाहिए था। दोस्तों अगर आप PUBG लाइट का आप बहुत बड़ा फैन हो और PUBG लाइट गेम खेलते हो, 1GB रैम या 2GB रैम या 3GB रैम मोबाइल फोन के अंदर लैग होता है या हैंग करता है ना, तो वीडियो को पूरा ना बिल्कुल भी तबाही वीडियो बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सेटिंग बता देता हूं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट है। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो टोगा प्ले YouTube चैनल। दोस्तों हमारे पास यहां पे देख सकते हैं Samsung का फोन है और ये 3GB RAM मोबाइल फोन है और ये वाला जो देख रहे ना, इसमें भी मैं PUBG लाइट खेलता हूं और मैं 2-3 दिन से मैं ट्राई करा इस फोन के अंदर, तो पहले काफी ज्यादा लैग हो रहा था, लेकिन इस फोन के अंदर भी मैंने सेटिंग किया हूं और इस फोन के अंदर भी मैंने काफी ज्यादा सेटिंग कर लिया हूं जो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे सेटिंग करने के बाद बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा था और मैं कम से कम 25-30 मैंने एनिमी को किल किया। और जी हां, तो अगर आप ये सब सेटिंग के बारे में जानना चाहते ना, तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ये इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं बताने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब काम करने के बाद दोस्तों आप अपने फोन के अंदर एक छोटी सी ऐप को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेते जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इसके अंदर आपको कैसे सारे सेटिंग मिल जाएगा, मैं आपको बारी-बारी से मैं आपको वो सेटिंग बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं कैमरा को ज़ूम कर लेता हूं और जैसे ज़ूम करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले दोस्तों यहां पे सेटिंग मिल जाएगा लाइट का, तो यहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप लाइट को सिलेक्ट कर लेते ना, तो बहुत सारा आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो क्या-क्या सेटिंग करना मैं आपको बता देता हूं। यदि आप 1GB RAM यूज करते ना, तो रेजोल्यूशन देख रहे ना, तो यहां पे सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों यहां पे कैसे आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, यदि आप 1GB RAM यूज करते ना, तो यहां पे आपको मतलब कि 432 आपको यहां पे पिक्सल रखना है। और उसके बाद दोस्तों यदि आप 3GB RAM यूज करते हैं या 2GB RAM यूज करते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों यहां पे आपको यूज करना होगा 576 होगा यहां पे आपको रेजोल्यूशन, तो यहां पे 576 पे रखना है। यदि आप 3GB RAM यूज करते ना, तो यहां पे 580 यानी कि HD में आपको रखना है। तो मैं अपने मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं यहां पे 3GB RAM वाला, तो मैं यहां पे रखूंगा HD में रखूंगा। तो जैसे HD में मैंने यहां पे सिलेक्ट कर दिया और जैसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ग्राफिक्स को यहां पे जो ना मेन आता है यहां पे ग्राफिक्स, तो दोस्तों यहां पे ग्राफिक्स में जो ना आपको बैलेंस रखना होगा, स्मूथ में नहीं, आपको स्मूथ भी रख सकते हैं, यानी कि आप 1GB या 2GB यूज करते, पता नहीं 1GB वाला अभी फोन कौन यूज करता है, मगर लेकिन काफी सारे लोग 1GB RAM वाला मोबाइल फोन यूज करते, कमेंट भी काफी सारा आ रहा था। तो यहां पे आप 1GB RAM यूज करते ना, तो आपको स्मूथ में रखना है। यदि आप 2GB या 3GB मोबाइल फोन के अंदर PUBG लाइट खेलते हो ना, तो आपको यहां पे बैलेंस में रख देना होगा। तो जैसे आप बैलेंस को सिलेक्ट कर देते ना, तो यहां पे आपको FPS में आना होगा। तो जैसे आप FPS में आते ना, तो यहां पे डिफॉल्ट होगा, इसको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों यहां पे तीन कैटेगरी मिल जाएगा। तो यदि आप 1GB या आप यहां पे रखते मतलब 1GB खेलते ना, तो डिफॉल्ट रखने रख देना होगा, डिफॉल्ट ही में रहने देना होगा। यदि आप 2GB RAM के अंदर लाइट खेलते हैं, तो आपको 30 FPS पे आपको रखना होगा। यदि आप 3GB RAM खेलते हैं, तो आपको 4 FPS में आपको रखना होगा। तो जैसे आप 4 FPS में रख लेते हैं, तो आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, आपको शैडो वगैरह जो ना आपको डिफॉल्ट ही रहने देना यहां पे। यदि आप शैडो को बढ़ाना चाहते हैं, तो शैडो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ना आपको शैडो जो भी और भी सेटिंग है बाय डिफॉल्ट ही रहने देना, आपको सिर्फ सिर्फ जो ना यहां पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते ना, तो यहीं से आपको PUBG को रन करना होगा। तो जैसे मैं PUBG लाइट को मैं यहां पे रन कर लेता हूं, और दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको आईडी वगैरह बैन नहीं होगा। जी हां, आपको PUBG आईडी बैन नहीं होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, पिछले जब से ये लाइट लॉन्च हुआ। तो जब ये एप्लीकेशन के बारे में मुझे पता चला 1-2 महीने के बाद, तो मैंने इस एप्लीकेशन को ट्राई किया, क्योंकि हमारे पास भी बजट फोन है और मैं भी YouTube चैनल पे ढेरों सारे से वीडियो डालता हूं, तो मैंने सोचा कि वो टूल्स को मैंने यूज करता हूं कि आईडी बंद होता है कि नहीं बैंड होता। तो यार मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं और अभी भी ट्राई कर रहा हूं और काफी स्मूथली तरीके से मैं अब भी रन कर रहा हूं। जी हां, काफी स्मूथली तरीके से PUBG को मैं खेल पा रहा, और गन वगैरह जो भी ड्रॉप करता है, जो भी गन को
हाथ में लेता बड़ी आसानी फास्ट क्विकली तरीके से जो है ना यहां पे गन को ले लेता। और यहां पे मैं फायर की बात करूं तो यहां पे कोई भी एनिमी आता या मैं यहां पे कुछ इस तरह से मैं फायर करता हूं तो देख सकते कितना ज्यादा फायर यहां पे फास्ट हो रहा है। जी हां, तो कुछ इस तरह से आप तेजी से फायर कर सकते हैं और एनिमी को जो है ना किल कर सकते हैं। और चिकन डिनर तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको सेटिंग बताया 1GB 2GB 3GB रैम मोबाइल फोन के अंदर वही सेटिंग करना और आप लोगों को कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके फोन के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम है लाइट के अंदर तो मुझे कमेंट करके आप स्पेशल बता सकते हैं ताकि मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा। जी हां, तो आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो काफी ऑसम कुछ अलग सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों इसी तरह से और भी PUBG हो गया या PUBG लाइट हो गया या फ्री फायर हो गया इसी के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लैग प्रॉब्लम हीटिंग प्रॉब्लम ये सब सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।